वेलकम टू माय न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। सोशियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक नंबर 9 है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले नेचर और जेनेसिस इंस्टीट्यूशंस की देखते हैं। नेचर में इंस्टीट्यूशंस की सोशल कंस्ट्रक्ट्स ऑर्गेनाइज सिस्टम और इंडियरिंग एंड स्टेबल। सोशल कंस्ट्रक्ट्स में जैसे कि कोई स्पेसिफिक फंक्शंस और एड्रेस सोशल नीड्स, कोई भी सोसाइटी है उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, उनकी सोसाइटल नीड्स जो होते हैं जिसमें उनका बिहेवियर और उनके कुछ जो इंट्रैक्शन है सोसाइटी में उनको देखा जाता है। ऑर्गेनाइज सिस्टम में कि सोसाइटी जो है वो एक एज इंडिविजुअल को गाइड करती है कि आपको बिहेवियर कैसा रखना है और इंट्रैक्शन जो हैं वो सोसाइटी में कैसे करनी है, जिसमें जो मेन रोल होता है वो रूल्स, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो सोसाइटी में नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। फिर आता है कि सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन की जो नेचर है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है कि सोसाइटी जो है वो हमेशा स्टेबल हो। फिर आता है जेनेसिस इंस्टीट्यूशंस का क्या है। जेनेसिस में सबसे पहले सोशल इवोल्यूशन आती है। सोशल इवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है सोशल और कलेक्टिव लर्निंग का, कि जो ह्यूमन की सोसाइटीज़ हैं वो कैसे रिएक्ट करें, कैसे इवॉल्व होती हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है जिसकी वजह से वो इवॉल्व होती हैं। फिर आता है अडॉप्टेशन टू नीड्स, कि क्या चीज़ें हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं वो, और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में कि उनको एक्सेप्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और प्रॉब्लम्स को फेस करना। फिर कल्चर ट्रेडिशंस की, किसी भी सोसाइटी के कुछ कल्चर होते हैं जो रूट से ही उनके, जैसे कि जड़ से ही जमे होते हैं, तो उनको मानना भी पड़ता है, और उनको कभी कभार ट्रेडिशंस की वजह से अगर हमें ना भी पसंद हो फिर भी हमें अप्लाई करने होते हैं। फिर आता है प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। प्रोसेस क्या है इनके, ये एक प्रोसेस है जो एक इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस या नॉर्म्स वैल्यूज़ बिलीव्स जो हैं वो सोसाइटी में होते हैं, जिसमें फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ इनफॉर्मल नॉर्म्स से होते हैं। जिस तरह से अगर एग्जांपल इनफॉर्मल नॉर्म्स का लिया जाए कि वो हम ना बिल्कुल ही, जैसे कि हम घर में बिल्कुल ही इनफॉर्मल होते हैं कि हमें कोई भी रोक टोक या कुछ भी नहीं होता, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे ही इनफॉर्मल नॉर्म्स जो हैं इनफॉर्मल कुछ प्रैक्टिसेस हैं और सोशल बिहेवियर जो है कि सोसाइटी में इनफॉर्मली किसी से कैसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। फिर आता है रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस में सोशल एक्सेप्टेंस और कंसेंसस बिल्डिंग आता है। रिपीटेशन और कंटिन्यूटी में रिपीटेशन बिहेवियर और कल्चर कंटिन्यूटी। तो ये जो मतलब कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस और कंसेंसस बिल्डिंग है कि सोसाइटी में कुछ चीज़ों को सोशली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ऐसे ही होता है, ऐसे होता आ रहा है, फिर कोई भी प्रॉब्लम या चीज़ें हैं तो हम जिस तरह से बड़ों से डिस्कस करते हैं तो ये भी एक कंसेंसस बिल्डअप होता है। फिर रिपीटेशन बिहेवियर होता है और कल्चर भी कंटिन्यूटी होती है कि बिहेवियर जो है वो ऐसे ही होता आ रहा है, कि छोटों को छोटा किया जाता है या पुअर पीपल्स होते हैं उनको कम समझा जाता है, जैसे और ये जो ऐसी कोई कल्चर होता है तो वो भी कंटिन्यू चलता आता है। फिर आता है फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कॉडिफिकेशन और लीगल और सोशल फ्रेमवर्क है। एज अ इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस गेन्स प्रोमिनेंस, देयर इज़ अ पुश टू कॉडिफाई एंड फॉर्मलाइज इट थ्रू रिटन लॉज, रेगुलेशंस एंड और ऑफिशियल रिकॉग्निशन। मतलब कॉडिफिकेशन, किसी जिस तरह से कोई कोड होता है तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के प्रोसेस में फॉर्मलाइज प्रोसेस में एक कोड होता है कि आपको किसके सामने कैसे बात करनी है, तो ये लॉज के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से और ऑफिशियल रिकॉग्निशन के हिसाब से, जिस तरह से आप किसी बड़े से बदतमीजी नहीं कर सकते, तो ये सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं जो हमें से सिखाती हैं। फिर लीगल और सोशल फ्रेमवर्क, कॉडिफिकेशन एक कोड होता है कि इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस जो है वो गेन नहीं होंगी, आपको पुश किया जाएगा एक कोड की तरफ कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। फिर है लीगल और सोशल फ्रेमवर्क क्या कहता है हमें, वो कहता है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लीगल और सोशल फ्रेमवर्क दैट गाइड्स बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी, कि आपको लीगली बिहेव कैसे करना है सोसाइटी में।
पर आते हैं फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या हैं? रेगुलेशन ऑफ एंड कंट्रोल, कि एक तो रेगुलेशन होनी चाहिए और जो सोसाइटी होता है वो अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करें, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करें। सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी में, जिसमें एक वैल्यूज़ नॉर्म्स जो हैं वो सोसाइटी को एज इंडिविजुअल को सोसाइटी में प्ले करने होते हैं। फिर रिसोर्सेज एलोकेशन में जिसमें वेल्थ, पावर और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी प्रॉब्लम आए जो है उसको एड्रेस किया जाए, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फिर प्रॉब्लम जो है उनको मतलब सोसाइटी को एक अच्छा मैकेनिज्म देने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला जो फंक्शन है वो फैमिली इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन है। फैमिली एक जो है वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, कि एक इंडिविजुअल से फैमिली बनती है और फिर फैमिली से पूरी एक सोसाइटी बनती है। फैमिली इंस्टीट्यूशन में प्रोक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन होती है। फिर है सोशलाइजेशन, जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशलाइजिंग चिल्ड्रन, इम्पार्टिंग कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। तो जैसे मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल से फैमिली बनती है और फिर फैमिली से एक फुल सोसाइटी बनती है, तो चिल्ड्रन जो है वो ग्रो करेंगे, तो उनके नॉर्म्स और वैल्यूज़ अगर सही से बिल्टअप हुई होंगी तो एक सोसाइटी भी जो है वो अच्छे से सोशलाइज होगी। फिर इमोशनल सपोर्ट जो है वो फैमिली से ही मिलता है, कि इमोशनल सपोर्ट और नर्चर्स इंडिविजुअल को नर्चर करती है फैमिली, फॉस्टरिंग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड केयर, कि बिलोंगिंग के साथ किस तरह से आपको चलना है, केयर किस तरह से करनी है, तो पूरा जो सिस्टम है वो फैमिली से ही चलता है। इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है, फैमिली मेम्बर्स ऑफन कोलैबोरेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड वेलबींग एंड सर्वाइवल। इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है, अगर इकोनॉमिकली फैमिली जो है वो थोड़ी सी स्टेबल होगी तो जो क्राइम्स या कोई जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस में सबसे पहले स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअली जो है एज ए इंडिविजुअल लाइफ जो है वो का पर्पस क्या है। स्पिरिचुअल जो है, रिलीजन जो है वो हमें सबसे पहले ये गाइड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आपकी लाइफ की मीनिंग क्या है। मॉरालिटी और एथिक्स क्या भी रिलीजन जो है वो गाइड करता है, कि सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, आपको कैसे बिहेव करना है उसमें। कम्युनिटी कोहिजन, जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि आप एक जैसे मुस्लिम्स में होता है कि आप एक मुस्लिम उम्मा हो, आप ब्रदर्स हो एक दूसरे के, तो आपको आपका आपके बिलीव्स का, आपके प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। फिर रिचुअल्स और सेरेमनीज जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज होती हैं, जो हमें रिलीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट होती है, जिसमें स्किल्स, इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। सोशलाइजेशन और सिटीजनशिप, एजुकेशन जो है वो हमें सोशलाइजेशन सिखाती है और सिटीजनशिप में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको कैसे सोसाइटी में चलना है, आपको पूरा बिहेवियर जो है पूरा स्ट्रक्चर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी जो है वो एजुकेशन के थ्रू होता है, बिल्डअप होता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल की ग्रोथ, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उसमें आती हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन के थ्रू मिलती हैं, जिसमें सबसे अच्छे से अच्छा कैरियर जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी जो है वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है। फिर आते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे होते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो सोसाइटी की नीड्स होती हैं। एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड में इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू अर्न अ लिविंग और सपोर्ट देयर फैमिलीज। फिर आए वेल्थ जनरेशन और रिसोर्स एलोकेशन, भी हमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही
प्रोवाइड होते हैं। एट द लास्ट जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो एक सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं गवर्नेंस का, और प्रोसेस जो है वो सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग का भी इसी के थ्रू आता है। फिर है लॉ एंड ऑर्डर, भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वजह से कायम होता है, जिसमें रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की एज अ सिटीजन, सिटीजन उसको फ्रीडम मिलना चाहिए एज एन इंडिविजुअल को। फिर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में आता है। फिर पब्लिक सर्विसेज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही हमें प्रोवाइड करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग असेंशियल पब्लिक सर्विसेज, जिसमें हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।